ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में बन रहे सबसे विशाल खाटू श्याम दिल्ली धाम की भूमि अब चमत्कारी भी हो गई है। रविवार को भी यहां पर एक ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला। यहां से बाबा श्याम के दर्शन कर वापस लौट रहे टेम्पू का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और वो पलट भी गया। लेकिन बाबा श्याम का चमत्कार तो देखिए कि कुछ भक्त मामूली घायल तो जरूर हुए लेकिन सभी बाल बाल बच गए। संभालते संभालते वो गाड़ी सीधा खाई में गई। दिल्ली के जीटी करनाल रोड में बन रहे श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम, यूं तो हर रोज भारी भीड़ आती है लेकिन हर रविवार को यहां लाखों लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। लोग अपने अपने इलाकों से समूह के एक साथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं। नरेला के रहने वाले ऐसे ही भक्तों का एक ग्रुप बाबा के दर्शन कर टेम्पो में वापस लौट रहा था कि अचानक वह हादसे के शिकार हो गए। भक्तों से भरा टेम्पो पलट गया लेकिन किस्मत तो देखिए, पास ही बड़ा हॉस्पिटल भी था और वह उन्हें अच्छा इलाज भी मिल गया। इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। उस टेम्पो में आते समय 20 से 30 लोग सवार थे लेकिन वापस लौटते समय केवल 15 ही लोग इस पर सवार थे। जब टेम्पो पलटा तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी जिसने लोगों के साथ मिलकर सभी को हॉस्पिटल पहुँचाया। ममता जी, क्या बात हुई है? सर, मेरा बेटा भी उसमें था, दर्शन करने गए थे, दर्शन करके वापस आ रहे थे, मैं तो गाड़ी में आ रही थी। मुझे फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया टेम्पो का, तो हम वापस गए बाग के। तो बेटे को तो मेरे पैर में आई है, ज्यादा चोट नहीं है, पर और लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। जैसे ही घायल हॉस्पिटल में पहुंची तो हॉस्पिटल का स्टाफ भी तुरंत हरकत में आ गया। शुरुआत में मामला काफी गंभीर लग रहा था, जिस तरह लोगों को लाया गया तो लगा कि वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, कितने लोग घायल हैं। मामला पूछिए सर, हम लोग खाटू धाम से वापसी आ रहे थे, बीटू में सुबह गए थे हम यात्रा लेके यहाँ से पैदल, उसके बाद उसी गाड़ी में वापसी आ रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो ड्राइवर चला रहा था, हम लोग 3 लोग आगे बैठे थे और 15-20 लेडीज पीछे थी बच्चों के साथ उसमें, और डाला खुला हुआ था पीछे का। तो क्या हुआ कि एकदम से हम जा रहे हैं, जैसे तो जाने से स्पीड तेज थी, टायर हो गया पंचर एक साइड का, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, एकदम से टायर पंचर हो गया तेजी में, तो संभालते संभालते वो गाड़ी सीधा खाई में गिर गई। आगे गाड़ियां थी उसकी वजह से थोड़ा सा बचाओ। बाबा के भक्त इसे भी एक बड़ा चमत्कार ही मान रहे हैं। यह हादसा बड़ा भी हो सकता था लेकिन आते समय कुछ भक्त वहीं रुक गए जिससे भक्तों की संख्या में कमी हो गई। यानी हादसा काफी बड़ा हो सकता था लेकिन कुछ ही लोग मामूली रूप से घायल हुए, बाकी सभी सकुशल हैं। इनके पास ही बड़ा सरकारी हॉस्पिटल भी था जिसमें घायल लोगों को तुरंत पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद लोग बाबा का चमत्कार इसे बता रहे हैं, इसमें अब तक किसी की जान नहीं गई। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।